अस्सलाम वालेकुम। और बिना टाइम ज़ाय किए हुए हम इसको स्टेप वाइज हल करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम कैट और रैबिट की वैल्यू जो कि 10 है उसको प्लस करते हैं डॉग और रैबिट की वैल्यू के साथ जो कि 20 है, तो दोनों प्लस होके 30 बन जाता है जिस तरह हमें सामने नज़र आ रहा है, इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो सेकेंड स्टेप में हम जाते हैं। सेकेंड स्टेप में ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसमें कैट और डॉग दोनों प्लस हो रहे हैं, तो हम इसको सिर्फ इसी तरह सिंपलीफाई कर देते हैं, दोनों को साथ कर देते हैं। और इस तरह रैबिट 2 है, कैट के साथ भी और डॉग के साथ भी प्लस हो रहा है, तो उसको भी हमने प्लस कर दिया, इक्वेशन इसी तरह बना दिया। अगर समझ नहीं आ रही तो इसी तरह एओ बना है, डॉग और कैट इसी तरह आपस में मिल जाएंगे आसानी के लिए, जबकि रैबिट जो है वो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। अब हम नीचे देखते हैं डॉग और कैट की वैल्यू है 24, तो इस तरह अब हमें 30 आंसर आना चाहिए। तो दो रैबिट की वैल्यू हमारे पास 6 आनी चाहिए, तो तब 30 बनेगा, 24 प्लस 6 इज 30। तो वन रैबिट की हमारे पास वैल्यू आ गई, दो रैबिट की वैल्यू 6 है तो वन रैबिट की वैल्यू हमारे पास 3 बन जाएगी। अब ईजी हो गया। स्टेप 4 में हम इसको अब सॉल्व करेंगे। वन कैट और वन डॉग जो है इसको हम प्लस कर लेते हैं वन रैबिट के साथ जो कि हमारे रिक्वायरमेंट है। नाउ वी नो दैट वन कैट एंड वन डॉग इज इक्वल टू 24 और हमारे पास वन रैबिट की वैल्यू भी फाइंड है 3 है, तो 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27। तो आंसर हमारे पास आता है 27। रिक्वायर भी यही है, वन डॉग वन कैट प्लस वन रैबिट की वैल्यू हमने वेट फाइंड करना है, तो आपको नज़र आ रहा है कि 27 इसका वेट आ गया है। मोहम्मद रिजवान मलिक इसका आंसर हमारे पास आया है, ये इसका आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट, कंग्रेचुलेशन। नेक्स्ट इक्वेशन को हम देखते हैं, लास्ट इक्वेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम फुटबॉल की वैल्यू देखते हैं, फुटबॉल की वैल्यू 6 है, 6 प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। और इसका लॉजिक यह है कि जो फुटबॉल में ब्लैक डॉट्स हैं वो 6 है, वो अगर हम गिने तो वो 6 है, इसलिए इसकी वैल्यू 6 आती है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन 2 पे जाते हैं। इक्वेशन 2 में क्लॉक्स है, तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि 3 o'clock 3 बजे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू भी 3 होगी, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ये करेक्ट आंसर आ गया। अब हम इक्वेशन 3 पे जाते हैं। इक्वेशन 3 में फ़ैन है, पेडिस्टल फ़ैन है, पेडिस्टल फैन की वैल्यू 3 आती है। इसका लॉजिक भी यही है कि इसके जो विंग्स हैं उसकी तादाद 3 है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैथ्स में, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, तो ये आंसर भी हमारा सही आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर 4 लास्ट इक्वेशन पे जाते हैं। क्लॉक को पहले देखते हैं, क्लॉक में 2 बजे हैं, तो 2 o'clock इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 आई। अब हम फुटबॉल की वैल्यू देखते हैं, फुटबॉल यहाँ पे थोड़ा सा पहले से चेंज है इसकी वैल्यू, इसलिए 3 आती है। इसका भी लॉजिक मैं बता रहा हूँ, इसका लॉजिक यह है कि इसमें 3 डॉट्स हैं, 6 के बजाय इसमें 3 डॉट्स हैं, तो इसलिए हम फुटबॉल की वैल्यू यहाँ पे हम 3 लगाएंगे। फैन की वैल्यू हम 2 लगाएंगे, उसका लॉजिक यही है कि इसके विंग्स 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, आंसर इसका 4 आ गया हमारे पास, करेक्ट आंसर है फाइनल इक्वेशन का 4। इसका आंसर हमें दिया है मोहम्मद जिशान खान ने, करेक्ट आंसर दिया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी दबाएं।